Ma finito? पर पहले कमी ले नहीं नहीं यार ना कमी ले ना भाई जो तो वीडियो बनाओ हरी बात दे जी जी जैसे आपको पता है इस समय काफ़ी ड्राई स्पेल चल रहा है और टेम्परेचर काफ़ी रेज हुआ है, गर्मी बढ़ गई है, उसके कारण ऑल ओवर यूटी में फायर इंसिडेंट्स के केसेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हमारी पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करेंगे हम तो यहाँ फायर इंसिडेंट्स के कम केसेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 5-6 केसेस अभी तक जो है फायर इंसिडेंट के हुए हैं। तो इसमें मोस्टली जो केसेस हैं हमारे वो अलॉन्ग साइड LOC हो रहे हैं, जो LOC के अक्रॉस से वो इनिशिएट हो रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमारा स्टाफ जो है वो काफ़ी अलर्ट पे है। हमने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहाँ कहीं भी फायर का कोई इंसिडेंस रिपोर्ट होता है या कहीं पे भी डिटेक्ट होता है, पता चलता है, तो इमीडिएटली वहाँ हम अपनी टीम्स को रश करते हैं ताकि उसको टाइमली कंट्रोल किया जाए। तो ये मोस्टली जो फायर के इंसिडेंट हैं, जैसे मैंने बताया, ये अक्रॉस LOC हुए हैं। बाकी हमने इसकी इसको फायर को देखते हुए ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमने कुछ टीमें कंस्टिट्यूट की हैं जिसमें हमने जॉइंट फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारा फॉरेस्ट टेरिटोरियल है, सोशल फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, साइल कंजर्वेशन है, इन सब के स्टाफ को मिला के हमने जॉइंट फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए हैं ताकि कहीं से अगर कोई फायर इंसिडेंट आता की रिपोर्ट आती है तो हम इनको एक टीम की शक्ल में इनको हम इमीडिएटली वहाँ रश करते हैं ताकि उसको टाइमली कंट्रोल किया जा सके। तो हमारा स्टाफ जो है वो इस वक्त जो है राउंड द क्लॉक जो है वो ऑन अलर्ट है, और कहीं भी फायर इंसिडेंट का अगर रात के समय भी कोई केस होता है तो हमारा स्टाफ इमीडिएटली वहाँ पहुँच के उसको बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमारा ये एक कंसर्न इस वक्त ये है कि ये मोस्टली जो केसेस हुए हैं ये फेंस लाइन के आसपास हुए हैं और वहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहता है, माइन एरिया भी है वहाँ पे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ जो है वो काफ़ी अलर्ट पे है, कोई भी फायर का जो इंसिडेंट होगा हम उसे मतलब कोशिश करेंगे उसको जितना जल्द से जल्द उसको मतलब कंट्रोल करने का।